टोक्यो में भी मोदी मोदी की गूंज आपको सुनाई दे रही है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। करीब 700 भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे हैं जो सजे धजे अलग अलग परिधानों में हैं। टोक्यो से आपको सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। ये इंडियन डायस्पोरा इवेंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारतीय मूल के लोग हैं जो प्रधानमंत्री की बातें सुनेंगे और उनसे इंटरैक्ट करेंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर माहौल कैसा है। भारतीय ऑलरेडी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आने लगे हैं, लोगों की क्यू बनने लगी है और बहुत सारे लोग पगड़ी में भी यहाँ पर आए हैं। मुझे ये जानना है ये रूप क्या है। भारत कल्चरल सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पहली बार जापान में शिव जयंती उत्सव किया था और ये सब पगड़ी रिप्रेजेंट करता है महाराष्ट्र। ओके, सो जैसा महाराष्ट्र में शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने पराक्रम किया था, वैसे अपने मोदी जी देश विदेशों में भारत का झंडा फैला रहे हैं। आप भी बताइए, यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री, जिस देश जाते हैं वहाँ के लोगों में खास करके भारतीयों से हमेशा मुलाकात करते हैं, ये खास बात क्यों है? नहीं, बल्कि कैसा होता है कि हम जो लोग भारत से दूसरी कंट्री में आते हैं तो वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री, सो वी शुड ऑल्सो शो व्हाट एग्जैक्टली, मतलब हमें भी दिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। भले ही हो, थोड़ा सा ही पार्ट हो, लेकिन हमें वो दिखाना चाहिए कि हम इंडियन करके क्या दिखा सकते हैं, और वो मोदी जी हमें सपोर्ट करते हैं उस। आपने मोदी प्रधानमंत्री मोदी का जापान से रिश्ता वो चीफ मिनिस्टर के दौरान से शुरू हुआ है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, और उसके बाद हमेशा जब भी वो जापान आए हैं तो कुछ ना कुछ डायस्पोरा का इवेंट रहा है जिसमें आप लोगों ने उनसे मुलाकात। तो 2016 में भी वो आए थे, तो उस वक्त वो कोबे में आए थे, तो हम यहाँ से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन उससे हम सफ़र करके मोदी जी को मिलने के लिए 50-60 लोग टोक्यो से गए थे। तो आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि वो डायस्पोरा से मिलते हैं, वो उनका सिर्फ भारत के बाहर ही नहीं, भारत के भीतर भी जो राज्य में वो जाते हैं वहाँ पे स्पीच देते हैं, वो वहाँ की भाषा में अपना स्पीच शुरुआत करते हैं। तो इसका रीज़न उनका यही है कि वो लोगों से क्लोजली कनेक्ट होना चाहते हैं, और दैट इज़ द थिंग That is getting people attracted towards Mr. Modi. हम और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर काफी महिलाएं भी हैं और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है, वहाँ पर उस पर आप रजिस्टर करिए, फिर आपको एक टैग मिलेगा जिसके वजह से आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है, सबको सीट एलोकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, और ये प्रोसेस के बारे में बताइए। सो हम सबके QR कोड इधर रजिस्ट्रेशन पे देखते हैं, और सबका QR कोड होता है, और फिर QR कोड से सबका ID होता है, और फिर ID देख के सबके सीट नंबर हम लोग एलोकेट करते हैं। ये स्वाति, ये जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज की हैं, यहाँ पर हम लोगों ने भारतीयों को देखा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, वहाँ पर ये कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, उसके बाद फिर बातचीत होगी शुरू। ये लोग जो रजिस्टर किए हैं, या क्या रजिस्ट्रेशन से हुए, कैसे आए? सो आज का इवेंट 700 लोगों का है और सिर्फ इनविटेशन के ऊपर इवेंट है। हमारी इंडियन कम्युनिटी एम्बेसी के साथ रजिस्टर्ड किया है लोगों ने, एंड जो रजिस्टर्ड गेस्ट हैं उनको एम्बेसी ने पर्सनल इनवाइट भेजा है, एक जने के नाम के साथ इनवाइट गया है। तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की जिसका इंतजार जापान में मौजूद भारतीय मूल के लोगों को है, और देखिए वहां पर किस तरह से साफा बांधकर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि मौका भी खास है। प्रधानमंत्री मोदी आज इन सब से मुखातिब होंगे, और जहां जहां प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, और आप ये देखिए एक सिलसिला है, वहां पर वो भारतीय मूल के लोगों से जरूर एक संवाद स्थापित करते हैं, और न सिर्फ अपनी बात को रखते हैं बल्कि कई मौकों पर उनकी बात को भी सुनते हैं। और एक बार फिर से टोक्यो में भी आपको वही सिलसिला देखने को मिल रहा है, जहां पर लगभग 700 के करीब कहा जा रहा है कि ये भारतीय वहां पर मौजूद हैं, और इसमें साफा सिर्फ पुरुषों ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपने सर पर देखे तस्वीरों में बांधा हुआ है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और फिर इन तमाम भारतीयों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर इस वक्त मौजूद हैं जापान में टोक्यो में, और ये मुलाकात भारत और जापान के रिश्तों को न सिर्फ एक शीर्ष पर ले जाएगी, आगे बढ़ाएगी, बल्कि एक और
बात है जो इस पूरी मुलाकात को खास बनाती है। लेकिन उससे पहले देखिए एक और तस्वीर, प्रधानमंत्री जब भी ऐसे किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं या किसी भी इवेंट में शामिल होते हैं तो वहां मौजूद छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं, और एक छोटा सा बच्चा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है जो कुछ दिखा रहा है प्रधानमंत्री को, शायद वो उनके लिए कोई मैसेज लिखकर लेकर आया है। और प्रधानमंत्री के हाथ में भी कलम है और वो न सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं बल्कि वो ये समझना चाह रहे हैं कि वो बच्चे ने क्या लिखा, और उसके बाद प्रधानमंत्री अपना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ऑटोग्राफ दे रहे हैं। देखिए भारतीय तिरंगे के आकार में कुछ बनाया हुआ है उस बच्चे ने, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी है। प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है वहां पर न सिर्फ भारतीय मूल के बच्चों को बल्कि जापानीज बच्चों को भी। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अभी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सुबह की तस्वीर है जो जिसमें प्रधानमंत्री बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर वहाँ भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री की होनी है, बातचीत होनी है। दरअसल टोक्यो में मोदी मोदी के गूंज के जो नारे हैं उनका जो दो दिवसीय कार्यक्रम है ये बहुत ही ज़्यादा खास है। 40 घंटे में 23 उनकी बैठकें, 35 कारोबारियों से मुलाकात, 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठक, क्वाड देशों की भी बैठक कल होनी है, और भारतीय मूल के लोगों से संवाद जिसकी तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। हौसला अफजाई करना अगर कोई सीखना चाहता है तो वो प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। जब भी वो बच्चों के बीच खास तौर पर जाते हैं तो वो उनके द्वारा दिए गए गिफ्टों को इस तरह से देखते हैं, गौर से उस पर ध्यान देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है उनके प्रति। और देखिए एक बार फिर से टोक्यो की तस्वीरें जहां पर साफा बांधे हुए अलग अलग संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए, भारतीय परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए लोग मौजूद हैं, और भारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वहां पर बाकायदा। अभी हमारी सहयोगी मारिया दिखा रही थी कि किस तरह से पूरा डेस्क बना है जो एक एक लोगों के पहले QR कोड से उनको वेरीफाई कर रहा है, और फिर ही उन्हें उस हॉल में जाने की इजाजत है जहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात उनकी होगी, क्या कहते हैं प्रधानमंत्री उनसे, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस बार देखिए एक और बात है जो इस दौरे में अलग है, वो ये कि क्वाड की तो बैठक हो ही रही है, प्रधानमंत्री ने जापान और भारत के रिश्तों को लेकर एक अखबार में, जापान के अखबार में संपादकीय भी लिखा है। और देखिए जिस तरह से फोन और कैमरे एकदम से एक्टिव हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पल आ ही गया है जब प्रधानमंत्री की यहाँ से एंट्री होगी, और सारे के सारे जो फोन्स है देखिए वो हाथों में दोनों हाथ से संभाले हुए लोग नजर आ रहे हैं, और वो लम्हा देखिए प्रधानमंत्री वेव करते हुए। ये लाइव तस्वीरें जापान के टोक्यो से आप देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री उस हॉल में पहुँच चुके हैं, वहाँ वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे, और देखिए वहाँ पर जोशो खरोश देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे वहां पर प्रधानमंत्री के लिए उनके स्वागत में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और बार बार आपने सुबह से जो तस्वीरें देखी होंगी उसमें आपने वो नारा भी सुना होगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार फिर से जरा सुनिए किस तरह नारेबाजी हो रही है वहां पर।